चैनल ऑसम टूल। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था एडिट मेन्यू के बारे में, आज हम जानेंगे व्यू मेन्यू के बारे में। तो व्यू मेन्यू में हमारा सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल में ही होते हैं, नॉर्मल व्यू में ही होते हैं, ठीक। तो सिंपली देन अगला ऑप्शन हमारा है पेज ब्रेक। अगर आपको अपना पेज ब्रेक करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके अपना पेज ब्रेक कर सकते हैं। सिंपली मैं व्यू पे दोबारा जाता हूँ, उसको नॉर्मल में कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक। अगला हमारा आता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में हमें कई सारे इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम आइए एक एक करके जानते हैं। इसमें इंटरफेस वगैरह चेंज कर देता है इसका थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लगा होता है पहला, वो हमारा लगा होता है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है सिंगल टूल बार। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये टूल बार सिंगल टूल बार बन गया, ठीक। देन वापस हम व्यू पर क्लिक करते हैं और स्टैंडर्ड टूल बार को बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक। देन अगला ऑप्शन हमारा उसके अंदर है साइड बार। साइड बार हमारा ये साइड बार शो होने लगेगा, यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगा ये। जैसे इस पर क्लिक करूँगा देखिए एक्सपेंड हो गया हमारा ये, ठीक है। सिंपली आप या यहाँ से भी अगर इसको क्लोज करना तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। सिंपली अपने व्यू पे जाइए, यूजर इंटरफेस पे स्टैंडर्ड टूल बार क्लिक करें तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक। देन अगला ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है टैब्ड। टैब्ड में क्या करें, जितने हमारे मेन्यूज हैं इनको टैब्ड में कन्वर्ट कर देगा। इस पर क्लिक करूँगा देखिए टैब्ड में कन्वर्ट हो गए, इंसर्ट टैब, डेटा टैब, इन सब में टैब कन्वर्ट कर देता है। देन इधर आपको थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, थ्री लाइंस दिख रही होंगी, इस पर क्लिक करना, सिंपली यूजर इंटरफेस पे जाना है, उसको बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड टूल बार कर देना है, ठीक। देन अगला ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है टैब्ड कॉम्पैक्ट। ये टैब्ड कॉम्पैक्ट में कर देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा टैब्ड कॉम्पैक्ट में होगा, ठीक है। सिंपली आपको या थ्री लाइंस पे जाना है, यूजर इंटरफेस के अंदर जाना है, स्टैंडर्ड टूल बार कर देना है। देन अगला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है ग्रुप बार कॉम्पैक्ट। ये करेगा मेन्यू को ग्रुप बार कॉम्पैक्ट बना देगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे ग्रुप बार हमारे कॉम्पैक्ट इसने बना दिए हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये चेंजेस वगैरह इसमें होती हैं। सिंपली आपको मेन्यू पे जाना है, यूजर इंटरफेस पे जाना है, स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ से कर देना है, ठीक। देन इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है टूल बार। टूल बार्स में क्या है, जितने भी टूल बार्स किया आपको शो एंड हाइड करा सकते हैं। जैसे आप अभी फिलहाल देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार खुला हुआ है, स्टैंडर्ड टूल बार जो हमारा ये है फॉर्मेटिंग वाला ये है खुला हुआ है ये हमारा, ठीक है। देन फाइंड का हमारे पास ये खुला हुआ है, अगर आपको उनको बंद करना सिंपली यहाँ पर क्लिक करके देखिए फाइंड का हमारा यहाँ बंद हो गया टूल बार, ठीक है। सिंपली आप 3D, अगर आपको 3D सेटिंग का लाना है टूल बार, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए देखिए 3D का खुल के आ गया। तो इस तरीके से आप कई सारे टूल बार यहाँ से टूल बार्स में हाइड एंड शो कर सकते हैं, ठीक। अगला हमारा ऑप्शन है फार्मूला बार। ये हमारा फार्मूला बार होता है जहाँ पर हम फार्मूला वगैरह हमारा शो होता है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी हैं, सम अवेलेबल निकालना है सिंपली इस पर क्लिक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये हाइड वगैरह करना है सिंपली आप व्यू पे जाइए, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हाइड हो जाएगा, ठीक है। शो कराना है सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, शो होने लगेगा। ये मैं आगे आपको बताऊँ कैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ फार्मूला वगैरह कैसे यूज़ करते हैं इसमें, ठीक। देन अगर हमारा स्टेटस बार हमारा ये शो करता है, ये बाय डिफॉल्ट पेज USA लैंग्वेज सेव ऑप्शन, और ये एक ऑप्शन एवरेज सम जूम इन जूम आउट, ये ऑप्शंस हमारे ये स्टेटस बार में शो होते हैं, ठीक है। सिंपली अगर आपको इसको हाइड करना है सिंपली स्टेटस बार पर क्लिक कर दिए तो आपका ये हाइड हो जाएगा। दोबारा लाना है सिंपली स्टेटस बार पर क्लिक कर दीजिए तो हमें स्टेटस दिखाता है ये। देन अगला ऑप्शन हमारा है व्यू हेडर्स। अगर आपको ये हेडर नहीं देखना है तो सिंपली आप व्यू हेडर्स पर क्लिक कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएगा। देन आपको दोबारा लाना है सिंपली व्यू एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। देन अगला ऑप्शन हमारा आता है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर आपको ग्रिड लाइंस जितनी भी ग्रिड लाइंस को आपको हाइड करनी है तो सिंपली आप व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी हाइड हो जाएंगी। दोबारा लानी है सिंपली व्यू पे जाइए, स्पेस क्लिक कर दीजिए तो आपकी आ जाएंगी ग्रिड लाइंस। देन अगला ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है ग्रिड एंड हाइड लाइंस, ठीक है। इसमें क्या करता है डिस्प्ले ग्रिड, इसमें क्या करेगा जैसे इस पर क्लिक करो तो डॉटेड देखा आपको देख रहे डॉटेड ये आपको इसमें शो करेगा, इस तरीके से ग्रिड शो करेगा डॉटेड में। देन अगला हमारा ऑप्शन आता है स्नैप टू ग्रिड। ये क्या करता है जैसे इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ ये स्नैप करता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट करा लेता हूँ, इंसर्ट में गया ऑब्जेक्ट में मैंने सॉरी कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ सिंपल इससे फॉर्मूला में इंसर्ट कराता हूँ, इस तरीके से मैंने इंसर्ट करा लिया, ठीक है। इंसर्ट कराने के बाद अब जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा देखिए ये स्नैप होता जाएगा, ये देखिए देख रहे हैं स्नैप हो रहा है डॉटेड से,
तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन से स्नैप कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। देन अगला ऑप्शन हमारा आता है हेल्पलाइंस वाइल मूविंग, ये गाइड करता है जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बाकी ऑप्शन लेकर आएंगे।